नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को हम ई प्रभाव भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है क्या। सबसे पहले यह एक अस्थायी प्रभाव है। कैसा है? अस्थायी। जबकि जो हमारा प्रेरणिक प्रभाव था वो कैसा था? स्थायी था। ये उसका बिल्कुल उल्टा है, अस्थायी प्रभाव। दूसरा देखिए, इसमें केवल पाई बंध से बंधित इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जबकि जो हमारा प्रेरणिक प्रभाव था उसमें केवल सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे, यहाँ केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। अर्थात यहाँ सिग्मा बंध का कोई काम नहीं है, इसमें केवल पाई बंध से बंधित इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, प्रेरणिक प्रभाव संबंधित है सिग्मा बंध से, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव संबंधित है पाई बंध से। देखिए तीसरा, इसे ई से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को ई से दर्शाते हैं और इलेक्ट्रॉन संचलन को हम वक्र तीर इस प्रकार के एरो से दर्शाते हैं। आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटाते ये प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए कैसा है? अस्थायी। क्यों है? क्योंकि जो ही आक्रमणकारी अभिकर्मक को हम हटाएंगे वापस यह प्रभाव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और दोस्तों इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, प्लस ई प्रभाव, इसे हम धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं, माइनस ई प्रभाव, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अब हम पढ़ते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जिसे हम प्लस ई प्रभाव भी कहते हैं, देखते हैं क्या है। इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। अर्थात जो पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिस पर आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। तो देखिए यहाँ उदाहरण से इसको समझते हैं। तो यहाँ जो प्लस ई प्रभाव है ये किस में हो सकता है? यहाँ पाई की बात हो रही, पाई इलेक्ट्रॉन की। तो ये हमारे एल्कीन में हो सकता है, एल्काइन में भी ये हो सकता है, क्योंकि एल्कीन में पाई बंद है और एल्काइन में भी पाई बंद पाया जाता है। तो दोनों में ये प्लस ई प्रभाव संभव है। वापस देखिए, इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होगा जिस पर आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। देखिए जैसे हमारे पास में ये एल्कीन है, एल्कीन, और इस पर किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही ने आक्रमण किया, ये हमारा एच प्लस क्या है? एच प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही है। एच प्लस क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसने आक्रमण किया। जो ही इसने आक्रमण किया, आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, एच प्लस। आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, एच प्लस। जो ही इसने आक्रमण किया, यहाँ से पाई बंद है, पाई बंद का स्थानांतरण किस पर होगा? इस पर होगा। अर्थात यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होगा। तो यहाँ से जो पाई बंद है वो किस पर आ जाएगा? इस पर आ जाएगा। तो इस पर क्या आ जाएगा? ऋण चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऋण चार्ज। देखिए सी प्लस सी माइनस, सी माइनस, और यहाँ पे जो एच है वो इससे जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन से। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि यहाँ हमने कहा था कि पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन किस पर आया? इस कार्बन पर आया। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव। और ये क्या हो गया? प्लस। ये प्लस और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे एच प्लस है तो एच इससे ही जुड़ेगा जिस पर कि पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। अर्थात पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होगा जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित है। तो पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव हुआ, इस पर आ गया और ये नेगेटिव हो गया, और ये क्या हो गया? प्लस। और जो एच प्लस नाभिक से नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन से नहीं है, ये किस पर होगा बंधित? जहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। दूसरा ऋणात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव माइनस ई प्रभाव, ये बिल्कुल धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव का उल्टा है। कैसे हैं? देखिए इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई
पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। वहाँ क्या था, जिस परमाणु पर आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है उसी पर पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होगा जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होगा, अर्थात यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा है। तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन जो कीटो समूह है वो ये प्रभाव दर्शाते हैं, माइनस ई प्रभाव सी एच ओ हो गया, सी ओ ओ एच हो गया, ये वाले समूह है माइनस ई प्रभाव दर्शाते हैं। इसको एक समझते हैं उदाहरण से, देखिए ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन, और इस पर किसी नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया सी एन साइनाइड, साइनाइड क्या है न्यूक्लियोफिलिक है, नाभिक स्नेही, और वहाँ क्या था प्लस ई प्रभाव में इलेक्ट्रॉन स्नेही था। तो ज्यों ही साइनाइड नाभिक स्नेही ने कीटो समूह पर आक्रमण किया तो यहाँ भी क्या होगा, अब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होगा, तो यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है किसके पास आ जाएगा, ओ के पास आ जाएगा, किसके पास आ जाएगा, ओ के पास, जो ही ओ के पास आएगा तो ओ क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और सी क्या हो जाएगा प्लस चार्ज, तो सी तो क्या हो गया प्लस चार्ज और ओ क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। अब ये नाभिक स्नेही कहाँ जाएगा, देखो वापस, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिक्रमक बंधित नहीं होता, तो पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण तुम्हारे पास यहाँ हो गया लेकिन आक्रमणकारी उससे बंधित नहीं है, जबकि प्लस में क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन उस पर ही था जिस पर आक्रमणकारी अभिक्रमक बंधित था, लेकिन यहाँ आक्रमणकारी बंधित नहीं है जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अभी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन ओ के पास है तो हमारा जो आक्रमणकारी अभिक्रमक बंधित इस पर तो नहीं होगा, किस पर होगा, इस पर होगा सी एन। तो इस प्रकार ये है हमारा माइनस ई प्रभाव। दोस्तों बहुत ही आसान है और लैब असिस्टेंट और जो सेकंड ग्रेड उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो को ध्यान से एक बार और देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा, अपने दोस्तों को भेजें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन होकर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स।